क्या लगता है कब से बैठे हैं? 8 दिन हो गए आपको, क्या सरकार से कोई आशा है आपको अब भी तीसरी दौर की वार्ता विफल होने के बाद? हाँ सर, आशा है हमें सरकार से कि सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि हम सरकार की बात, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारी जान जा सकती है लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये महिलाएं हैं जिनसे और से भी हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जहाँ पर आप ये भी व्यवस्था देख सकते हैं कि रात को यहाँ पर ये किस तरीके से डटे रहते होंगे और उनके पास में सोने की व्यवस्था कैसे होती होगी, खाने की व्यवस्था कैसे होती होगी, क्या कहना है आपका? लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं और लगातार सरकार से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सर हमने मैं बादना तहसील से, मेरा नाम सुनीता है और हम 8 दिन से 15 तारीख से यहाँ बैठे हैं धरने पर। और ये सरकार का ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, सुलभ शौचालय, लेकिन यहाँ जहाँ भी हम शौच करने के लिए जाते हैं वही कहते हैं हमारे फुहारे खराब हो गए और न तो हमें बाथरूम करने के लिए जगह है, न नहाने के लिए जगह है, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। और हमारी भर्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जाते हैं तो वार्ता विफल हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी रात को प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे और यहाँ पर लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार को इतनी दया तो आनी चाहिए कि जो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं वो भी राजस्थान के निवासी हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, उनके लिए इतनी व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए कि यहाँ पर उनको परेशानी नहीं हो। बेरोजगारों को रोजगार देना एक बड़ी बात होती है, लेकिन कम से कम ये तो करें। क्या कहना है आपको, कब से यहाँ पर बैठे हैं? हम 8 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हैं लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही। सरकार से 3 बार हमारी वार्ता हुई है लेकिन वो सरकार मौखिक में दे रही है, लिखित में नहीं दे रही। अगर वो हमारे को पक्का भरोसा दिलाए तो वो लिखित में दे। आश्वासन तो कई बार मिल गए लेकिन जब तक सरकार हमारे को लिखित में नहीं देगी तब तक ये महापड़ाव जारी रहेगा। चाहे हमारे ऊपर गोलियां चले, चाहे लाठियां चले, चाहे कुछ भी होगा, ये महापड़ाव जारी रहेगा। हम नहीं हटेंगे, इसी जगह पर डटे रहेंगे और हम इतनी तेज गर्मी और इतनी तेज सर्दी में यहीं पड़े रहते हैं। लेकिन सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम आखिरकार हमारी मांगों को लेकर ही रहेंगे। तो ये महिलाएं रात दिन प्रोटेस्ट कर रही है, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। आप बताइए कि किस तरीके, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए और आपके क्या मांगे? हम घर से निकले तब आज के 7-9 दिन हो गए। हम जालौर जिले से हैं, शाम को 8 बजे बैठते हैं तो सुबह को 4 बजे हम यहाँ उतरे, 15 तारीख को यहाँ उतरे। अब 8 दिन हो गए हैं सर, ना तो सोने की व्यवस्था है ना बैठने की है। खाना तो बेचारे हमारे भामाशाह है जो लेडीजों को दया देख के खाना तो हमें खिला देते हैं, और पानी का टैंकर ला के रख लिया है, और शौच जाने का घर घर शौचालय बनाओ। अब कहाँ शौचालय है, कहाँ लेडीज गली है, देखो रोड पर कहीं कहीं छुप छुप के जाते हैं, टॉयलेट करने की जगह नहीं और बाथरूम जाने की जगह नहीं। अब सीएम गहलोत कब सुनेगी हमारी अर्जी? हम 8 साल से घूम रहे हैं और मंत्री और सीएम साहब अब तो हमारी पुकार सुन लो। 9 दिन हो गए हैं और भूखी बैठी है हमारी बहन है अनशन पे, और हर रोज उनको हॉस्पिटल में 20-25 लड़कियां तो हॉस्पिटल में एम्बुलेशन से लेके जाते हैं, आप भी देखते हो ना। अब क्या करेंगे, हम यहीं डले रहेंगे, चाहे हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। और वहाँ से जालौर जिले से हम भीनमाल से आते हैं तब हमारा 1200 रुपये तो टिकट होता है। कितनी बार यहाँ आ गए हम, और बच्चे दो बच्चे हैं घर पे डले हैं, और कुछ बहनें तो छोटे छोटे बच्चे धूप में लेके बैनर उड़ा के ऐसे सुलाती है, और ओढ़नी ये उड़ा के सुला के रखती है, रात को रो रहे हैं। और किसी के बच्चे बीमार पड़ गए, अब छोटे बच्चे हॉस्पिटल में लेके गई है बेचारी। अब सरकार क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब क्या पढ़ाया बेटी को? हमारे बापों ने पढ़ाया तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, अब हमारी छोटी बहनों को तो हमें देख कर कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। हम किसानों की बेटी हैं, उन्होंने किसी से पैसे 1-2 रुपये लाए ब्याज से, और कि ये नौकरी लगेगी तब करज उतारेगी। अब कैसे करज उतारे, हमें गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है नौकरी तो, और वहाँ से टिकट नहीं होता। आज गवर्नमेंट को पता है प्राइवेट बस 1400-1500 रुपये हमारा टिकट लेती है जालौर जिले से सांचौर से। हमारा मंत्री जो है सुखराम विष्णु यहाँ बंगला मिल गया और बैठ गए, और पहले तो हर धरने पे रहता था सांचौर में, दरी बिछा के बोरी बिछा के बैठते थे, अब कहाँ गए हमारे जो मंत्री साहब है ना वो। और एक बार हमारी कमेटी बनी थी तब तो आए थे मंत्री जी सुखराम जी, और तुम धरना खड़ा कर दो और हम तुम्हारी मांगे मैं मनवाऊंगा, सीएम साहब तक बात पहुंचाऊंगा। अब नहीं पहुंचाई तो हम दोबारा धरना लेके बैठे, और हम नहीं जाएंगे, और भैया संघर्ष करेगा पीछे, हम डटे रहेंगे। सरकार हमारे साथ देगी तो हम सरकार को देंगे, नहीं तो हमारे परिवार चाहे हमारे छोटे से लेके बड़ों तक हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। और हमें NM GNM भर्ती 2013 की पूरी कर देगी,
ए नंबर थी 2013 और जी नंबर थी और सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी तो हमारा परिवार भी देगा सात पीढ़ी तक कांग्रेस का साथ और हम भी देंगे, नहीं तो हमारे बुजुर्ग बूढ़े लोग है, हाथ को बोर दो, हाथ को बोर दो ना डे, वो तो समझते नहीं हाथ क्या हमारे साथ दिया है, हाथ ने क्या दिया, हमारे हाथ काट के रखे हैं हाथ हैं। अब हम देरी तो जवाब नहीं दे जाएगा आपका क्योंकि पिछले 8 दिन से बैठे हैं और कब तक, जब तक लिखित में नहीं आश्वासन आ जाएगा तब तक बैठे रहेंगे। हाँ लिखित में नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे पुलिस वाले हमें गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, और हमारे को टेंट नहीं लगाने दे रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सुविधा करे, हमारे भाई बहन कोई सुविधा कर रहे हैं बहनों के लिए तो वो पुलिस वाले भी टेंट नहीं लगाए लगाने दे रहे, और कोई बीमार पड़ गई गर्भवती महिलाएं भी हैं इसमें और छोटे बच्चे भी हैं, जो कोई बीमार पड़ गया तो उसका जिम्मेदार पुलिस और सरकार होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार ये नारे सरकारें देती हुई नजर आती है लेकिन यहाँ पर वो सार्थक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।